الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 10th ماتس میں ہم چپٹر نمبر 7 اس کو پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ اینگل اور اس کا ایک یونٹ پڑھا تھا ڈگری ٹھیک ہے آج ہم لوگ اینگل کیونکہ ڈگری جو ہے وہ ایک آپ کے پاس یونٹ ہے اسی طرح آج ہم ایک اور سسٹم پڑھیں گے جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سرکولر سسٹم کے اندر میتھس میں وہ ہے جی ریڈین ریڈین تو یہ ہمارے پاس ریڈین کی سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیں Radian, the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called radian. तो ये आपके पास अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा इसकी लेंथ एक ही जैसी होती है तो ये आपके पास यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो वन रेडियन कहलाता है ठीक है बच्चों तो ये इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है तो अब हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन तो जैसे कि आपको पता है मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब भी कोई एंगल जो है वो इस तरह मूव करता है ठीक है कोई भी टर्मिनल साइड जब मूव करती है तो वो एक सर्कल पूरा करती है अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से शुरू हुई वहीं पर आकर ख़त्म हो जाए तो एक सर्कल होता है ठीक है इसको मैं आपको एक और तरह बता देता हूँ अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो अगर आपका एक एंगल जिसकी के इनिशियल साइड ये थी इनिशियल साइड तो अगर आपका एंगल जो है वो टर्मिनल साइड जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहीं पर आके ख़त्म हो जाए तो ये एक सर्कल कंप्लीट होता है और ये सर्कल जो है इसका जो एंगल है कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्रीज होता है और अगर हम रेडियन में देखें तो ये 2π होता है ठीक है जी 2π अगर हम दोनों तरफ जो है वो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाए रेडियन तो ये रिलेशन है जो हमने बार बार इस्तेमाल करना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है जब भी आपको कहा जाएगा कि डिग्रीज में एंगल गिवन है तो आप लोगों ने क्या करना है उस डिग्रीज को कन्वर्ट कर देना है रेडियंस में हमने हमेशा यहाँ पर जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन सबको रेडियंस में सॉल्व करना है तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है एक्सरसाइज हमारे पास शुरू हो रही है 7.1 जी 10th क्लास बेटा एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसके जो हमारे इंक्लूडेड पार्ट्स हैं ना वो हैं सेकंड थर्ड एंड सेवंथ पार्ट ये हमने करना है तो पहला सवाल है बेटा उसने कहा लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स जैसे कि पहला जो हमने सवाल करना है यानी पार्ट नंबर 2 वो है 22.5 डिग्री मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 22.5 डिग्री भी लिख सकता हूँ इसको हमने लोकेट करना है लोकेट करने का तरीका क्या होता है आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं और डी लेनी है डी की जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको इस पॉइंट पर रखना है और उधर से आपने 22.5 वो काउंट करना है तो ये तकरीबन 45 यहाँ बिल्कुल मिड में होता है तो ये उसका हाफ होगा तकरीबन आपने फ्री उसे डी की मदद से आपने यहाँ पर ये बता देना क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा 22.5 डिग्री ठीक है बच्चों इसी तरह इसका जो सेवंथ पार्ट है बिकॉज वो नेगेटिव है -150 डिग्री है तो उसकी आपने लोकेशन उसमें आपने डी नीचे की तरफ रखनी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह उसी तरह ही होगा एक्स और वाई इस तरफ एक्स डैश होता है और इस तरफ वाई डैश तो ये बच्चों आपके पास क्योंकि नेगेटिव है तो आपने डी को इस दफ़ा नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है 90 के बाद तकरीबन यहाँ पर जो है 130 जो है 5 होता है और 135 से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है
135 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कहीं करके आपका ये एंगल होगा, और ये आपका एंगल ये बनेगा -150। ये आपने ये लोकेशन है, ठीक है। इसका एक पार्ट रह गया है 135 वाला ही, वो पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे आके सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। उसको आपने उसकी मदद से प्रोटेक्टर यानी डी की मदद से आपने इसको लोकेट कर लेना, इसको बना लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बस इसकी ये लोकेशन थी। क्वेश्चन नंबर टू उसने कहा इसमें हमने सिर्फ सेकंड पार्ट करना है, सिर्फ हमारा सेकंड पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। उसने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। आपके पास सबसे पहले दिया गया है 60 डिग्री, प्लस उसके बाद 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। जी तो बच्चों, अच्छा इसमें आप बहुत आसान है, जिस तरह हम लोग मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसे ही है। सबसे पहले ये जो डिग्री वाला है ना, इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है 60 डिग्री। प्लस ये जो मिनट है ना, आपको पता है मिनट्स को करना हो कन्वर्ट किस में, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 पे डिवाइड कर देते हैं, और इसी तरह जब सेकंड्स को करना हो तो इसको 3600 से हम लोग करते हैं, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये भी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने इसको डेसिमल्स में कर लेना, 3 1s are 3 2s are, आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 1 बाय 2 डिग्री, प्लस यहाँ पर ये इससे एक जीरो कट जाएगा, 3 1s are 3 2s are, तो ये आ जाएगा 1/120। तो ये आपके पास बन जाएगा 60 प्लस 0.5 प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ रहा है जी आपके पास 0.00833 है। बस आप 2 3 3 लिख लें, ये इन सबको जमा कर लें, 60 प्लस 0.5 प्लस 0.00833, तो ये आपके पास बच्चों आंसर आ रहा है 60.50833 डिग्री। तो ये डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में, पॉइंट में, यानी कि हमने आंसर करना था। तो ये इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन होता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि अब डेसिमल में वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि इसमें कन्वर्ट करें, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें से सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करना है। तो मैं आपको यहां पर दो पार्ट्स करवा देता हूं, एक आपको फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है जी, -67.58 डिग्रीज। बहुत आसान है बच्चों, जैसे देखो यहां पर डिवाइड किया था ना 60 से, यहां पर डेसिमल वाली वैल्यू, यानी पहले सबसे पहले डेसिमल वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं, 67 डिग्री +0.58, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा -67 डिग्री, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी माइनस का साइन ही रहेगा, तो 0.58 को अब की बार किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 के साथ, तो देखें क्या आंसर आता है। ये आपके पास आ रहा है 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 34.8 आ रहा है। -67 डिग्री -34 पॉइंट, क्योंकि अब ये डिग्री से किस में चला जाएगा, मिनट्स में, 34.8। अब ये 34 को अलग कर दो, मिनट्स में चला गया, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 0.8, फिर अलग कर लें और इसको अगेन 60 से कर लें, क्योंकि हमने मिनट्स तक सेकंड्स तक जाना होता है, तो फिर सेकंड से करेंगे
तो -67 डिग्री, -34 मिनट, -0.8 मल्टीप्लाई विथ 60, तो ये आ जाएगा जी 48। अब पॉइंट भी नहीं है और हम मिनट सेकंड से आगे जा भी नहीं सकते, ये आपका सेकंड में कन्वर्जन हो गई। तो माइनस के साइन हटा दें तो आपके पास आ जाएगा, एक ही दफ़ा माइनस अब लगा लें, -67 डिग्री 34 मिनट एंड 48 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ ये उसका उल्ट मेथड था। इसी तरह आपके पास इसका हमने सेवंथ पार्ट करना है, सॉरी सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट देख लें। 315 यानी 315.18 डिग्री, तो उसी तरह 315 को अलग कर दें और 0.18 को अलग करके 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.8, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास बच्चों आ गया है 315 डिग्री प्लस 10.8 मिनट्स। अब उसी तरह 10 को अलग कर दें और 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो ये मिनट्स में चला जाएगा सेकंड्स में। तो ये जब आप करेंगे 315 प्लस 10 प्लस 48, प्लस के साइन हटा दें, तो आपके पास 315 डिग्री 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई किसी भी बात की, तो वो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को देखें, इनके प्रैक्टिस करें, और क्योंकि नेक्स्ट इन्हीं की मदद से हमने आगे जो है अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। हमारे जितनी आगे सवाल होंगे एंगल्स के लिए, डिग्री जो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है या उसको कन्वर्ट करना है, वो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए करेंगे। तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है।